हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आप वो चेक करना चाहें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1915 में। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि बहुत सारी डिस्कशंस हुई थी और हमारी कंट्री में अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग वर्ग रहते हैं, तो उन सबके राइट्स को ध्यान रखते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिसंबर 1946 से 1949 नवंबर 1949 के बीच में फ्रेम हुआ था। इस टाइम में एक एक क्लॉज को, एक एक पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था उसको डिस्कस किया गया था। असेंबली 11 टाइम्स 11 सेशंस हुए थे एंड लगभग 165 डेज के स्प्रेड में ये 11 सेशंस। उन सेशंस के बीच में हर एक एक बात जो डिस्कशंस में निकल के आती थी उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को रिवाइज और रिफाइन किया जा रहा था। हर एक एक कमेटी थी और उसकी सब कमेटीज भी बनाई गई थी। 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री हुआ, लेकिन वो उस वक्त डिवाइड भी हो गया था। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले की चीज़ों के बारे में देख रहे हैं हम। उस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुई और सुभाष चंद्र बोस जैसे पॉपुलर लीडर्स कैसे वो बाहर की कंट्रीज से हेल्प लेके एक आर्मी बना रहे थे कि हमारे देश को आज़ादी दिला सकें, ये सब मेमोरीज बहुत फ्रेश थी अभी लोगों के अंदर। दो मेन लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त की थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग, लेकिन उन दोनों के बीच में आइडियाज बैठ नहीं रहे थे। जो रिलीजन और सोसाइटी को लेके उन दोनों की सोच थी वो नहीं बैठ रही थी। सेटलमेंट्स फेल हो रही थी और ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स जो अगस्त 1946 में हुई उसने तो दंगे रायत्स शुरू कर दिए थे नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। वायलेंस और मैसेकर्स इतने बढ़ गए और पार्टीशन अनाउंस कर दिया गया। इंडिपेंडेंस मिली हमें 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके साथ हमें पार्टीशन भी मिला था। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे नहीं सेलेक्ट हुए थे। इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान, हर वर्ग के इंसान ने वोट किया हो, ऐसा नहीं हुआ था। विंटर ऑफ 1945 टू 1946 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो चूज हुए थे वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इन टू बींग वो मेनली डोमिनेटेड थी कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस जनरल इलेक्शंस में जीती थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने जो भी मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी उन्हें कैप्चर करने में वो सक्सेसफुल रही थी। लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट किया और पाकिस्तान की डिमांड करनी शुरू की कि हम ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, हमारा एक अलग संविधान होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 300 मेंबर्स थे, उसमें से 6 मेंबर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन 6 मेंबर्स में से 3 तो कांग्रेस पार्टी के थे, पहले थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरे राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था। इस रेजोल्यूशन में प्रपोज किया गया था कि हमारा देश का झंडा यानी कि नेशनल फ्लैग किस तरीके का होगा, हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर सैफरन वाइट और डार्क ग्रीन इक्वल प्रपोर्शन में और बीच में वाइट नेवी ब्लू एट द सेंटर। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेजरली बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे थे। अगर आप 12th की पॉल साइंस भी अगर आपके पास है और अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हमारे इंडिया में आज़ादी मिलने के बाद भी बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स जैसे हैदराबाद के अलग थे और अलग अलग स्टेट्स को कैसे इंडिया में मिलाया, उसमें सबसे बड़ा रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल का था।
राजेंद्र प्रसाद ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली, तो उस वक्त हर इंसान को अपना बोलने का हक मिले, ये सब चीजें प्रेजिडेंट को ध्यान रखनी होती थी, तो ये राजेंद्र प्रसाद का रोल था। तीन लोग तो हमने डिस्कस कर लिए सिक्स में से, फोर्थ इंसान जिसकी बात होगी वो है बी आर अम्बेडकर। ऑल द ब्रिटिश राज में बी आर अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल विरुद्ध थे, लेकिन आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी की एडवाइस पर उन्होंने यूनियन कैबिनेट को ज्वाइन किया एज अ लॉ मिनिस्टर। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर से भी सर्व किया। उनके अलावा दो और लॉयर्स थे, यानी कि अभी फिफ्थ और सिक्स्थ, वो थे के एम मुंशी जो कि गुजरात से थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि मद्रास से थे। इन्होंने भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में। जैसे कि आपको चैप्टर 13 जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड था, उस चैप्टर में मैंने मोस्टली आपको बोला था कि आप डेट्स याद रखना, इसी तरीके से इस चैप्टर में आपको नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं। सिक्स मेंबर्स वर गिवन वाइटल असिस्टेंस बाय टू सिविल सर्वेंट्स। पहले थे वो बी एन राव। बी एन राव का काम था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो बैकग्राउंड में पेपर वर्क हो रहा था और बाकी कंट्रीज में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम था, उन सब चीज़ों को ध्यान दे रहे थे। चीफ ड्राउट्समैन एस एन मुखर्जी, उनकी एबिलिटी के हिसाब से जो कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स थे उन्हें वो क्लियर लीगल लैंग्वेज दे रहे थे। बी आर अम्बेडकर ने खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी कि वो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड करेंगे। इसमें 3 साल लगे, लगभग 11 बल्क वॉल्यूम्स में ये प्रिंट हुआ है। जो भी डिस्कशंस हुई उस वक्त उनमें वो छपी हुई हैं और वो 11 वॉल्यूम्स में हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हमें दिखता है कि कैसे अलग अलग लोग अपने ओपिनियंस रखते थे और फिर बाद में डिस्कशन होती थी और कैसे फिर फाइनल डिसीजन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें ये बताया गया था, आउटलाइन किया गया था कि एक आज़ाद भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा और वो कैसे काम करेगा। उसमें ये क्लेम किया गया कि इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक होगी इंडिया और हर सिटीजन को, हमारे देश के हर नागरिक को जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम अश्योर की गई और एडिक्वेट सेफ गार्ड यानी कि सबको प्रोटेक्शन दी जाएगी, सेफ रखा जाएगा माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड्स, ट्राइबल्स, डिप्रेस्ड और अदर बैकवर्ड क्लासेस, सबको बराबर का हक मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, आज़ादी मिलेगी। कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लहरी सॉ अ डार्क हैंड इन द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। उन्होंने कहा कि अभी भी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम डेलिब्रेशन में, अभी भी ब्रिटिशर्स का कहीं ना कहीं हाथ है। उन्होंने अर्ज किया उन मेंबर्स को और नॉर्मल पब्लिक को भी कि वो इंपीरियल रूल के इन्फ्लुएंस से अपने आप को आज़ाद करें। असेंबली डेलिब्रेटेड द ब्रिटिश वर स्टिल इन इंडिया। अब इंटीरियम एडमिनिस्ट्रेशन जिनके हेड जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया वो प्लेस हुआ, लेकिन क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स थे इंडिया में तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन इंटीरियम एडमिनिस्ट्रेटर का काम दिया गया वो तब भी वायसराय और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ लंदन के अंडर ही थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इतने लोग जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, जो लोग आज़ाद हिंद का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब की एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जा सके, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड जस्टिस हर इंसान को मिले, जो कि सोशल स्ट्रगल 19th सेंचुरी में हम देख रहे थे कि लोगों की असल में डिमांड भी थी। जैसे कि सोशल रिफॉर्मर्स 19th सेंचुरी में जब चाइल्ड मैरिज को अपोज कर रहे थे और ये कह रहे थे कि विडो को रीमैरिज करना अलाउड होना चाहिए, तब वो सोशल जस्टिस मांग रहे थे। कुछ इसी तरीके से जब स्वामी विवेकानंद ये कैंपेन कर रहे थे कि हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना चाहिए और हर रिलीजन को थोड़ा जस्ट होना चाहिए, तब वो रिलीजियस डिमांड कर रहे थे। इसी तरीके से ज्योतिबा फुले जो कि महाराष्ट्र से थे, उन्होंने ये कहा कि डिप्रेस्ड कास्ट्स एंड कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, उन लोगों की डिमांड्स भी सुनी जानी चाहिए, उन लोगों के हक के बारे में भी देखना चाहिए, तब वो इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस की मांग कर रहे थे। इसी तरीके से नेशनल मूवमेंट में जब सारे लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े थे और वो आज़ादी मांग रहे थे, जस्टिस मांग रहे थे, हर सिटीज़न को इक्वल राइट दिया जाए, तब वो इक्वालिटी और जस्टिस मांग रहे थे हर सिटीज़न के लिए। डिमांड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही बढ़ने लगी थी।
जैसे कि 1909 1919 और 1935 के एक्ट्स आए थे जिसमें धीरे धीरे इंडियन लोगों की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़ा दी गई थी. एग्जीक्यूटिव्स वर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स. 1919 तक सिर्फ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर तक ही उनका हक था एंड ऑलमोस्ट इंटायरली सो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. जब 1935 के इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में जीत गई. अब क्वेश्चन ये उठता था कि हर इंडिविजुअल के राइट्स कैसे डिफाइन किए जाएंगे. स्पेशल राइट्स जो माइनॉरिटी है या जो दबे हुए वर्ग हैं उन्हें कैसे मिलेगा, माइनॉरिटी के हक होंगे क्या और उन्हें कैसे डिफाइन किया जाए, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस डिबेट में उठ रहे थे और इन सब के आंसर्स थे हर इंडिविजुअल ने अपने बातें रखी और फिर उसमें क्लैश हुआ, डिबेट्स हुआ और डिबेट से आंसर निकला और फाइनली जो सबके लिए सही था उसे चूज किया गया. 27 अगस्त 1947 को बी पोकर बहादुर जो कि मद्रास से थे उन्होंने प्ली किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए. माइनॉरिटीज एग्जिस्ट हर जगह पे और हम उन्हें हटा नहीं सकते, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते. मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इकट्ठे आराम से रह सकें वो तभी हो सकता है जब माइनॉरिटी को थोड़ा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, मतलब उनको भी पॉलिटिक्स में राइट दिया जाए. काउंटरिंग द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट गोविंद भल्ला पंत ने ये कहा कि माइनॉरिटीज के लिए भी हार्मफुल है सेपरेट इलेक्टोरेट. उन्होंने ये कहा कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी तभी हो सकती है जब लोगों को अलग अलग सेक्शंस को एक दूसरे पे विश्वास हो, वही एक सच्ची सक्सेसफुल डेमोक्रेसी आज़ादी होगी. गोविंद भल्ला पंत ने यह भी कहा कि हर सिटीजन फ्री है, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ना ही सिर्फ मटीरियली बट उसको इज्जत भी सबको बराबर मिलनी चाहिए और मेजॉरिटी कम्युनिटी की ऑब्लिगेशन है कि वो माइनॉरिटी को समझे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए. हर मुस्लिम नहीं सपोर्ट कर रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट को, जैसे कि बेगम अजीज रसल ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं और ये माइनॉरिटीज को मेजॉरिटी से आइसोलेट करते हैं. 1949 में मोस्ट ऑफ द मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्रीड कि सेपरेट इलेक्टोरेट वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम्स थे उन्होंने खुद ये माना कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए भी सही नहीं होगा. वाइल वेलकमिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एनजी रंगा जो कि सोशलिस्ट थे, वो किसान मूवमेंट के लीडर थे, उन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटी को आप धर्म के बेस पे क्यों कर रहे हो कि ये हिंदू है और ये मुस्लिम है और ये माइनॉरिटी हो गया ये मेजॉरिटी हो गया. आपको माइनॉरिटी मेजॉरिटी इकोनॉमिक टर्म्स यानी कि जो गरीब है जो अमीर है उस बेस पे आप माइनॉरिटी करो. नो मैटर कि वो गरीब इंसान हिंदू है सिख है मुसलमान है, अगर वो गरीब है तो आप उसको माइनॉरिटी मानो. जयपाल सिंह ने ये कहा कि जो ट्राइबल्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी कंडीशंस के हिसाब से अभी उनको जनरल पॉपुलेशन के लेवल पे लाना होगा क्योंकि बिछड़ा हुआ वर्ग है वो जंगलों में रहते हैं तो जनरल पॉपुलेशन जो शहरों में और इवन जो गाँव में भी रहती है वो उनसे पिछड़े हुए होते हैं तो उनको हमें उनके बराबर तक लाना है. ट्राइब्स कम नहीं हैं, ये जयपाल सिंह का आर्ग्यूमेंट था, पर उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि तो जंगल के लोग यानी कि ट्राइबल्स को उस जगह से हटा दिया जाता है और उनको नई जगह पे जाना पड़ता है तो इस चक्कर में उनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है. सम मेंबर्स ऑफ द डिप्रेस कास्ट एम्फसाइज कि अनटचेबल प्रॉब्लम सिर्फ प्रोटेक्शन से या सेफ गार्ड करने से नहीं ख़त्म होगी, वो तब ख़त्म होगी जब एक्चुअल में लोग ये डिस्टेंस और ये जो गैप क्रिएट है इसको ख़त्म करेंगे. जे नगप्पा ने बोला कि हम ऑलरेडी बहुत सफ़र कर चुके हैं और अब हम और सफ़र नहीं करना चाहते. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनली ये कहा कि अनटचेबिलिटी अबॉलिश होगी, हिंदू टेम्पल्स को ओपन किया गया हर कास्ट के लिए, सीट्स इन लेजिस्लेचर्स और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनको रिजर्व किया गया, लोअर कास्ट के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया. मैनी रिकॉग्नाइज्ड कि प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं हो सकती सोशल डिस्क्रिमिनेशन की जब तक लोग अपना एटीट्यूड जो सोसाइटी में लोगों की सोच है वो जब तक नहीं बदलती तब तक ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती. पावर ऑफ द स्टेट,
अब डिस्कशन शुरू हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स क्या होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि राजेंद्र प्रसाद को ये कहा कि अब जब हमें पता है कि पार्टीशन एक सेटल्ड फैक्ट है, कि अब पार्टीशन हो ही चुका है, तो इसीलिए हमें अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए सेंटर को वीक नहीं होने देना चाहिए और सेंटर को स्ट्रांग रखना चाहिए। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड 3 लिस्ट्स, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट्स को प्रिजर्व किया गया कि उनके अंडर क्या क्या काम आता है, सेकेंड वाली में स्टेट का, और कंकरेंट में सेंटर और स्टेट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर ज़्यादा आइटम्स वर प्लेस्ड इन यूनियन कंट्रोल, जो मिनरल्स का कंट्रोल, की इंडस्ट्रीज, इन सब का कंट्रोल यूनियन को दिया गया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। आर्टिकल 356 ने सेंटर को ये पावर दी कि अगर उन्हें कभी भी ऐसा लगे कि स्टेट ठीक से काम नहीं कर रही, गवर्नर की रिकमेंडेशन पे सेंटर अपने कंट्रोल में ले सकती है उस स्टेट को। स्टेट का राइट भी होना चाहिए, ये कहा के संथानम जो कि मद्रास से थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये मानते हैं कि स्टेट और सेंटर दोनों को पावर मिलनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पावर सेंटर को दी जाएगी तो सेंटर ओवरबर्डन हो जाएगा और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए कुछ पावर और कुछ फंक्शंस स्टेट को दे देने चाहिए, सेंटर को स्टेट को देने चाहिए। हर बार आर्ग्यूमेंट में यही बात उठ के आई कि सेंटर को ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग सेंटर की ही डिमांड शुरू से उठ रही थी। बी आर अम्बेडकर ने खुद डिक्लेयर किया कि अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमने सेंटर क्रिएट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। रिसाइटिंग द डिमांड, गोपाल स्वामी अय्यर ने ये डिक्लेयर किया कि सेंटर को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके उतना बनाना चाहिए। बालकृष्ण शर्मा जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस के एक मेंबर थे, उन्होंने भी यही बोला कि हमारे देश के रिसोर्सेज को देखना, एक एक चीज़ को ध्यान में रखना, इन सब के लिए सेंटर को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। लैंग्वेज ऑफ द नेशन, हमारे देश की मातृभाषा कौन सी होनी चाहिए। 1930s तक तो कांग्रेस ये एक्सेप्ट कर रही थी कि हिंदुस्तानी ही हमारी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। महात्मा गांधी को भी यही लगा कि क्योंकि हिंदुस्तानी ब्लेंड है हिंदी और उर्दू का, तो इससे हमारे देश के दो मेजर वर्ग यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो सब एक साथ रहेंगे और भाषा के कारण लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं। तो उनको लगा कि ये सबसे अच्छा रहेगा कि अगर हिंदुस्तानी ही हमारे देश की भाषा बने। 19th century के अंत तक थोड़ी सी चीज़ें चेंज होने लगी। कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो हिंदी और उर्दू में थे वो बढ़ने लगे क्योंकि अब पार्टीशन हो चुका था। ऑन द अदर हैंड हिंदी को संस्कृताइज किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अरेबिक और पर्शियन के वर्ड्स को हटाना चाहते हैं और उर्दू को इंक्रीजिंगली पर्शियनाइज करा जाने लगा। तो एक तरीके से अब भाषा को रिलीजन से कनेक्ट किया जाने लगा। ऑल्दो महात्मा गांधी अभी भी अपनी बात पे अड़े थे कि हिंदुस्तानी को ही हमारे देश की भाषा बनाना चाहिए। वन ऑफ द अर्लीस्ट सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आरवी धोलेकर जो कि कांग्रेसमैन थे फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस, उन्होंने ये प्ली किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 में जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो लैंग्वेज को लेके एकदम से ही डिबेट शुरू हो गई कि हमारे देश की भाषा कौन सी बनेगी। लैंग्वेज कमेटी, जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कमिटीज़ और सब कमिटीज़ थी, तो लैंग्वेज से रिलेटेड भी एक कमेटी थी। उसने कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूला दिया ताकि ये जो बिल्कुल कन्फ्यूजन हो रखी है ये ख़त्म हो सके। और अभी ये बात फॉर्मल नहीं थी, बट ये डिसाइड किया जाने लगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बनाया जाएगा जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट से बनी है। तो धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा हिंदी से, बट एकदम नहीं होगा। 15 ईयर्स तक इंग्लिश यूज़ की जाएगी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए और धीरे धीरे फिर हिंदी को बना दिया जाएगा। ईच प्रोविंस को अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज, जैसे पंजाब की पंजाबी है या तमिलनाडु की तमिल है, रीजनल लैंग्वेजेस रखने का राइट दिया कि आप उस लैंग्वेज में अपना ऑफिशियल वर्क कर सकते हो, लेकिन रेफरिंग की हिंदी जो होगी ऑफिशियल होगी। लैंग्वेज कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये होप किया कि इससे जो भी प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन धोलेकर ये चाहते थे कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, ना ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज। श्रीमती जी दुर्गाबाई, उन्होंने ये कहा कि साउथ में
हिंदी को लेके बहुत अपोज किया जा रहा है। इवन उन्होंने ये कहा कि जो महात्मा गांधी की बात को ओबे करके हिंदी को फैलाने गए हैं साउथ में, उनको भी लोगों ने रेजिस्ट किया है, लोगों ने उनका विद्रोह किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दस इमर्ज विद द इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन। हर वर्ग ने डिबेट की, अपनी बात रखी, डिस्कशन हुई और फिर फाइनली चीजें निकली। एक सबसे सेंट्रल फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निकल कर आया वो था कि हर इंसान को वोट का हक दिया गया। बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम में भी सबसे पहले सिर्फ मेन को वोट मिलता था और वुमेन को तो बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद फाइनली राइट टू वोट ग्रांट किया गया। तो हमारे देश में हर इंसान को वोट का हक मिल गया। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निकल कर आता है वो है सेक्युलरिज्म। किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हर इंसान को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो कि आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30, एंड राइट्स टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, 16 एंड 17। हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, स्टेट रिलीजन के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। और इस डिस्कशन, डिबेट और इन सब बातों के बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ गया। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 15, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अ बिगनिंग ऑफ न्यू एरा। इस चैप्टर से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप वो डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक देख सकते हैं। इससे पहले के बाकी सारे चैप्टर्स की डिस्कशन की वीडियो भी ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।